हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेडिसेस टू ऑल पे। गाइस, जैसा कि आप सब जानते हैं कि कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हमें प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कराना पड़ता है। प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कराने के दो ऑप्शन आपको मिलते हैं, या तो आप उसे एबॉर्शन के थ्रू टर्मिनेट करा सकते हैं या फिर आप मेडिसिन के थ्रू भी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करा सकते हैं। गाइज, ये दोनों ही तरीके होते हैं जो आप प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करा सकते हैं। और बहुत दिनों से मुझे कमेंट्स भी आ रहे थे कि गाइज मेरे को 63 डेज तक की प्रेगनेंसी है, तो मैं उसे कैसे क्लियर करूँ, इसको कैसे खाऊँ। तो ये एक चीज़ थी जिस वजह से मैंने इस टैबलेट को चुना। मेरे पास जो टैबलेट है वो आज मिफ्टी किट है। ये अरिस्टो का बनाया हुआ ब्रांड है और गाइज ये बहुत फेमस मेडिसिन है 63 डेज तक की प्रेगनेंसी को क्लियर करने के लिए। और गाइज, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ, मैंने बहुत रिसर्च किया कि इस टैबलेट के बारे में, किस टैबलेट को खाना कैसे होता है। सबसे बड़ा चीज़ मैटर करती है, इसको खाना कैसे होता है। बहुत से यूट्यूबर्स ने भी इसके ऊपर वीडियो बना रखी है और बहुत से यूट्यूबर्स ने ये कहा है कि इसको आपको ऐसे खाना है, ऐसे खाना है, ऐसे खाना है। मतलब हर इंसान ने अलग अलग रिव्यू दिया हुआ है, किसी ने भी सेम रिव्यू नहीं दिया हुआ कि यार इसको ऐसे खा लेंगे तो, मतलब एक इंसान को डरा देना जैसे कहते हैं ना, वो हुआ हुआ है। तो आपको ये नहीं करना है, आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है। देखिए गाइस, मैं आपको इसमें 4 से 5 तो ऑप्शंस मैं आपको दे दूंगा कि इसको खाने का तरीका क्या है, ठीक है। आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है कि इस टैबलेट को अगर हम ऐसे खाते हैं तो ये गलत हो जाएगा और इससे क्लियर नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। रही बात ब्रांड की, तो गाइज जैसे मेरे पास ये मिफ्टी किट है, एरिस्टो का बनाया हुआ ब्रांड है। इसके अलावा 2-3 ब्रांड्स और आते हैं मार्केट्स में, जैसे कि इंस्टा किट आता है, वो मैकलोड्स का बनाया हुआ ब्रांड है। और एक अनवॉन्टेड किट आता है, अनवॉन्टेड किट है मैनकाइंड का बनाया हुआ ब्रांड है वो। तो गाइज़ ये कुछ 2-3-4 ब्रांड है जो मार्केट्स में अवेलेबल हैं, जिन पे ट्रस्ट आप कर सकते हो आँख मीच के। तो ये कोई बड़ा मैटर नहीं करता कि आप कोई भी एक ब्रांड ले लो और वो ख़राब होगा, ऐसा कुछ नहीं है। गाइज आप कोई भी ब्रांड ले सकते हो, और बट हाँ, लो क्लास के ब्रांड्स मतलब जो आजकल मार्केट्स में आ रहे हैं ना न्यू, बस सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपको ये देखना है कि वो एक कंपनी का ब्रांड है। अब चलिए बात कर लेते हैं इस टैबलेट के बारे में कि इस टैबलेट को आप किन किन प्रॉब्लम्स में यूज़ कर सकते हैं, इस टैबलेट को लेने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, और गाइज इस टैबलेट को लेने से आपकी बॉडी पर क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, और इस टैबलेट को कब यूज़ नहीं करना चाहिए। तो गाइज इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही मेडिसिन से रिलेटेड जेन्युइन और सच्ची इन्फॉर्मेशन लाते रहते हैं। तो गाइज चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर अभी तक आपने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ जाके हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए रेगुलर अपडेट्स के लिए। तो गाइज चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फाइव टैबलेट्स का प्राइस 425 रुपीज़ है। मिफ्टी किट टैबलेट एरिस्टो का बनाया हुआ ब्रांड है और इसके अंदर मेफीप्रिस्टोन 200 mg और मिसोप्रोस्टोल 200 mcg होता है। गाइज जैसा कि मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करनी है। प्रेगनेंसी टेस्ट करने के बाद अगर रिजल्ट पॉजिटिव आता है तभी आपको ये मेडिसिन यूज़ करनी है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास आज मिफ्टी किट है, तो इस मेडिसिन के बारे में जानते हैं कि इस टैबलेट को आपको कैसे यूज़ करना है, इसका सबसे बेस्ट तरीका क्या है। तो गाइज चलिए सबसे पहले तो हम इसे ओपन कर लेते हैं, हम इसमें देख लेते हैं कि हमें क्या क्या मिलता है। तो गाइज देखिए, जैसे कि हमें साफ साफ देख सकते हैं कि आप इसमें हमें 5 टैबलेट्स मिलती हैं। जो सबसे ऊपर वाली टैबलेट होती है गाइज, ये वाली, ये होती है मिफीप्रिस्टोन, और जो नीचे की 2-4 टैबलेट होती हैं, दो ये होती हैं मिसोप्रोस्टोल। तो गाइज इन दोनों का काम अलग अलग होता है। तो आइए अब इसी बारे में बात करते हैं कि इसको लेनी कैसे है। गाइज जैसे कि आप देख सकते हैं कि सबसे ऊपर वाली जो टैबलेट है, मैंने जैसे बताया अभी कि मिफीप्रिस्टोन है, तो सबसे पहले आपको ये टैबलेट लेनी है। जैसे मान लीजिए अगर आप आज से स्टार्ट कर रहे हैं और रात को अगर आप ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए 8 बज रहे हैं, तो 8 बजे अगर आप ये टैबलेट ले रहे हैं तो तब से ही टाइम कैलकुलेट करना आप स्टार्ट कर दीजिए। उसी प्रोसीजर से आपको चलना है जब से आप इसको लेना स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपने ये टैबलेट ले लिया आज 8 बजे, तो नेक्स्ट डे शाम को ही 8 बजे ये दोनों टैबलेट एक साथ ले लेनी है, ये मिसोप्रोस्टोल 200 mcg में है। उसके बाद फिर नेक्स्ट डे परसों को ये दोनों टैबलेट एक साथ ले लेनी है। तो गाइज इस तरीके से आप ले सकते हैं, ये आपका पहला मेथड था। अगर आपको टाइम शेड्यूल समझ में नहीं आया और आपको पास टाइम नहीं है, आप ऐसे नहीं ले सकते, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। आप इसकी पहली टैबलेट सुबह नाश्ते के बाद ले लीजिए, एक दिन का डिले करके परसों को ब्रेकफास्ट के बाद ये चारों टैबलेट एक साथ सेम टाइम पे ले लीजिए।
अगर आपको ऐसे भी नहीं लेना, थर्ड मेथड मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए अगर आप रात को 10 बजे ये टैबलेट लेते हैं और कल आप दोनों में से एक टैबलेट बेड टाइम पे ही 10 बजे एक इंसर्ट कर लीजिए वजाइनल में और एक टैबलेट आप सेम टाइम पे ही खा लीजिए 10 बजे। फिर परसों को क्या करना है आपको, सेम टाइम पे रात को 10 बजे सोते समय ये दोनों टैबलेट एक साथ खा लेनी है। गाइस देखिए, मैं आपको ये टैबलेट रात को इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं जो मैं आपको भी बताऊँगा कि क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। एक दो साइड इफ़ेक्ट तो मैं आपको बता ही देता हूँ, जैसे कि इस टैबलेट को यूज़ करने से आपको चक्कर आ सकते हैं और वोमिटिंग भी हो सकती है। गाइस देखिए, ये टैबलेट एक ऐसी टैबलेट है कि इससे इफ़ेक्ट पड़ता है, जब हम इसे खाते हैं तो थोड़े बहुत चक्कर से आ सकते हैं, सिम्टम्स इसके बहुत ज़्यादा देखे गए हैं। तो गाइस इसलिए मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा, जब आप इसको रात को खाएंगे तो आपको क्या होगा, जैसे आप इसको रात को खा लेंगे तो ये इजीली डिसॉल्व हो जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा, ना आपको चक्कर आएंगे। अगर आप इसको डे में लेते हैं तो क्या होता है कि अगर आप थोड़ा सा भी अपना काम कर रहे हैं घर का या फिर कहीं जा रहे हैं तो थोड़ा बहुत आपको हल्का सा महसूस हो सकता है। तो सबसे बेटर तो आप इसको रात को ही खाएं तो सबसे बेस्ट रिजल्ट मिलेगा आपको इस टैबलेट का। टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करें तो इस टैबलेट को लेने से आपकी बॉडी पर क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। गाइस इस टैबलेट को लेने से आपको वोमिटिंग हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको एनीमिया हो सकता है, स्टमक में पेन हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं, लूज मोशन हो सकते हैं और हेडेक भी हो सकता है। अगर आप ये टैबलेट ले रहे हैं या फिर लेना स्टार्ट करते हैं, अगर आपको इनमें से कोई भी प्रॉब्लम होती है या फिर फील होता है तो जल्द से जल्द अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें। गाइज इस टैबलेट की प्रिकॉशंस के बारे में बात करें तो इस टैबलेट को कब यूज़ नहीं करना चाहिए। गाइज अगर आपको ड्रग एलर्जी हो, मतलब कि इस टैबलेट में दिए गए सोल्ट से एलर्जी होना, आपको हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम हो, एलर्जी हो, शुगर हो, किडनी की प्रॉब्लम हो और लीवर की प्रॉब्लम हो, अगर आपको इनमें से कोई भी प्रॉब्लम हो या फिर आपका इनमें से कोई भी ट्रीटमेंट चल रहा हो तो पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें फिर इस टैबलेट को यूज़ करें, क्योंकि डॉक्टर आपकी मेडिकल कंडीशंस देखकर इस टैबलेट को प्रिस्क्राइब करेगा। और हाँ गाइज, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में, तो गाइज इसके साइड इफ़ेक्ट्स कुछ और भी हैं, जैसे कि रही बात नेक्स्ट प्रेगनेंसी की, अगर आप इस किट को एक या दो बार यूज़ करते हैं तो नेक्स्ट प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन अगर आप इस टैबलेट को लत बना लेते हैं, 8 से 10 बार इसे यूज़ कर लेते हैं तो नेक्स्ट प्रेगनेंसी में आपको काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है, हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम आप कंसीव ही ना कर पाएं। इस टैबलेट को आप ओनली इमरजेंसी केसेस में ही लें। मैं फिर से आपको बताना चाहता हूं कि ये टैबलेट ओनली 63 डेज तक की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकती है, ना कि 63 डेज से ज़्यादा की। 63 डेज से ज़्यादा की प्रेगनेंसी में आपको सर्जिकल अबॉर्शन कराना पड़ेगा। इस किट से अबॉर्शन सक्सेसफुल नहीं होगा। इस किट को यूज़ करने के 15 दिन बाद आपको अल्ट्रासाउंड करा लेना चाहिए, जिससे कि आपको पता चल जाए कि अबॉर्शन सक्सेसफुल हुआ है या सक्सेसफुल नहीं हुआ है। और गाइज हाँ, अगर आप ये टैबलेट खा लेते हैं और इसको टैबलेट को खाने के बाद आपकी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, ब्लीडिंग स्टार्ट होने के बाद अगर ब्लीडिंग 2 हफ्ते तक कंटिन्यू चलती है तो नॉर्मल है, अगर इससे ज़्यादा चलती है तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि इससे ज़्यादा ब्लीडिंग का होना नॉर्मल नहीं होता है। तो गाइज ये था इस मिफ्टी की टैबलेट के बारे में। ये टैबलेट आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर बहुत आसानी से मिल जाएगी। अगर आपको इस मेडिसिन से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप हमसे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे भी बात कर सकते हैं या फिर हमसे नीचे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको किसी भी पॉइंट पे अच्छी लगी हो तो या फिर आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें बिना मत जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।